जी व्यवस्था तो यही है, तो आना पड़ रहा है सर, यही तो व्यवस्था है सर बिहार का। जैसे वहाँ भी अभी बिहार पुलिस, पेपर देने आए हैं हम तो आए हैं लखनऊ जी। तो यहाँ कितने बजे से है आपके पुलिस? हमारा पेपर 10 बजे से है सर। ठीक है सर। बनारस से सर। कहाँ पर इसे देने आए हैं? हम लोग लखनऊ आए हैं। अच्छा, कैसी व्यवस्था है? व्यवस्था ठीक है सर, कोई दिक्कत वैसे नहीं है, सब ठीक है। कितने बजे से परीक्षा है? 10 बजे से। तैयारी पूरी है? हाँ तैयारी तो है थोड़ा बहुत, अब जो है भाई समझ लीजिए। कहाँ पे आना है परीक्षा देने? ये लखनऊ में। परीक्षा तैयारी पूरी है? हाँ पूरी है। कितने बजे से? 10 बजे से स्टार्ट है और 8 बजे एंट्री है। क्या व्यवस्था है, सब ठीक है? हाँ ठीक है। अंकित कुमार। अंकित कहाँ से आए हो? मैं मुरादाबाद से आया हूँ। सर उम्मीद तो हम यही लेके आते हैं कि हमारा एग्जाम अच्छा हो, बाकी हम एग्जाम को देख के देखते हैं। हम उम्मीद तो यही लेके आते हैं सारे लोग जितने भी आए कि हमारा एग्जाम क्लियर हो, और बाकी एग्जाम के बाद और जो भगवान को लगे वैसा होगा, बाकी खुदा जाने। पेपर लीक हुआ करते थे। हाँ इस बार सर लग रहा फील हो रहा है सर, सकता ही ज्यादा आए, कुछ भी बाहर जाने से पहले ही मतलब यहाँ आ रहे हैं हम, तब भी देखा जा रहा है बहुत ज्यादा सकता ही है। पहले पूछ रहे हैं एडमिट कार्ड है नहीं, दूसरे जिसका एडमिट कार्ड नहीं है उसे खड़े भी नहीं होने दे रहे हैं, और अच्छी खासी संख्या में पुलिस आई हुई है यहाँ पर, और लगता है इस बार उम्मीद तो यही है कि पेपर लीक नहीं हो। झांसी। किस तरह की तैयारी है परीक्षा को लेकर? तैयारी है। तैयारी है जी। कौन सा पेपर देने आया? यूपी पुलिस का कांस्टेबल जी। बोलिए। अजय कुमार गुप्ता। अजय जी, इस बार किस तरह का इंतजाम दिख रहा है? प्रशासन चुस्त दिख रहा है, कोई फालतू चीज नहीं ले गया जा रहा है, आने जाने में कोई कठिनाई नहीं हुई, सेंटर बीच शहर में पड़ा है, सुविधाजनक तरीके से हम लोग आ गए। जो आशंका पिछली बार थी, पिछली बार फरवरी में जो लीक हुआ था, इस बार कुछ इंतजाम दिख रहा है कि नहीं? इस बार ये मन में है कि इस बार पारदर्शी तरीके से होगी, क्योंकि पिछली बार इतनी आलोचना हो गई थी कि हमको लगता है कि सरकार इसको ध्यान में रखते हुए हर चीज पारदर्शी तरीके से करेगी, और बच्चे भी कॉन्फिडेंस के साथ जो वास्तव में लायक हैं वो बच्चे मतलब क्वालिफाई करेंगे। इस बार आशंका उस तरह ना, इसमें गलत बात की आशंका नहीं है इस बार। हम बॉक्सर से हैं। किस तरह का इंतजाम दिख रहा है? बढ़िया है, इन साल का जो सिस्टम है, अब की जो मतलब तैयारी जिस हिसाब से हुआ है बहुत बढ़िया है। अभी हम लोग 7 बजे से यहाँ का माहौल देख रहे हैं, काफी शांति का माहौल है और सभी लोग डिसिप्लिन का पालन कर रहे हैं, बहुत अच्छा है। तो जो पेपर लीक हुआ था उसको लेकर के इस बार कोई आशंका? हाँ हाँ, बहुत अच्छा है, जो लीक हुआ था उसके जैसा माहौल अबरी नहीं रहा, और बहुत अच्छा से परीक्षा होगा। जो भी लोग हैं अनुशासन में जा रहे हैं, अंदर कुछ जाने भी नहीं दिया जा रहा है। पुलिसकर्मी का व्यवस्था यहाँ 7 बजे से 6 बजे से चालू है, और ये चालू ही रहेगा जहाँ तक उम्मीद है, बहुत अच्छा है। अगर ऐसे चलते रहे तो फिर ये सफल हो जाएगा एग्जाम, कोई दिक्कत नहीं है। ये चुनौती भी है। हाँ, देश के लिए बहुत बड़ा चीज है, जो हुआ वो अच्छा नहीं हुआ, ऐसा नहीं होना चाहिए, अब नहीं होना चाहिए, नहीं होना चाहिए। अगर कोई भी परिश्रम कर रहा है, मान लीजिए दूर दूर से लोग परीक्षा देने के लिए आ रहे हैं, सफल होंगे तभी तो कुछ भी है। अच्छा है, जो अभी हो रहा है बहुत बढ़िया है। 5 दिन की परीक्षा है ये, इसमें थोड़ा सा चांसेस कम हो जाते हैं। हाँ, लेकिन ऐसा कुछ नहीं है। देखिए, जहाँ अगर सेंटर पड़ा हुआ है सभी जगह पे, हम 2-3 जगह, हम जैसे दीवाने आए हैं देने नहीं आए, 2-3 जगह, हाँ 2-3 जगह हम लोग देखे, सिस्टम बहुत अच्छा है, हर जगह बढ़िया व्यवस्था है। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं। अगर आप ये वीडियो Facebook पर देख रहे हैं तो लाइक जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। धन्यवाद।